हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? दिस इज प्रमदा श्रीवास, वेलकम टू माय चैनल। तो ये हिमामा अर्थ का ओपन फेशियल किट मैंने अमेजोन से मंगाया था 370 में, और इसका जो MRP प्राइस है वो है 399। भी आप इसको ले तो कभी भी आपको इसके जो रैपर है इसको फेंकना नहीं है, क्योंकि इस पर ही सारी डिटेल लिखी हुई है कि आपको कैसे यूज करना है। वैसे कुछ इस तरह से दिखता है। ये रही मैंने इसको पहले ही ओपन कर लिया था, थोड़ा सा ये इधर उधर है, अभी मैं इसको सही से आपको दिखा दूंगी। तो ये इस तरह से इसका फेशियल किट आता है मामा अर्थ का। ये सूट फॉर ऑल स्किन टाइप है, और ये है 6 स्टेप सिंगल यूज किट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अभी मैंने फेस वॉश किया हुआ है, और मैंने कोई भी अभी कुछ भी लगाया नहीं हुआ है, नॉर्मल फेस वॉश किया है, यहाँ तक कि मैंने मॉइस्चराइजर भी नहीं लगाया हुआ है। तो इसके बाद मैं तुरंत स्टार्ट करने वाली हूँ। स्टेप वन से स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको दिखेगा सारे ट्यूब पे स्टेप वन और स्टेप टू, उस पर लिखा होगा। तो ये है स्टेप वन, ये है ओप्टन क्लिंजिंग मिल्क, और ये एक ट्यूब में है 10 ml। और इसको आपको अपने हाथ पे लेना है, अपने पूरे फेस पे, और यहाँ तक कि अपने नेक एरिया पर भी अच्छे से जेंटली मसाज करना है, पूरे चेहरे पर आपको करना है। और करने के बाद आपको इसे आराम से अपने चेहरे से हटा देना है, चाहे फेस वॉश करके या फिर किसी गीले तौलिए से आप कर सकते हैं। तो इसको पहले आप अच्छे से 1 से 2 मिनट, और 2 से 3 मिनट भी कर सकते हैं, अच्छे से आपको पूरे फेस पे रगड़ना है। ये आपके अंदर के चेहरे की गंदगी को निकालता है। और किसी भी स्टेप को आपको बहुत ज़्यादा लॉन्ग टाइम नहीं करना है, जितना उसमें डायरेक्शन में दिया हुआ है, जैसे 1-2 मिनट या फिर 2 से 3 मिनट, तो उतना ही करें, या फिर उससे 1-2 मिनट एक्स्ट्रा कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहिए उस। तो 1 से 2 मिनट मैंने अच्छे से मसाज करने के बाद इसको फेस वॉश कर लिया है, आप देख सकते हैं। और आपको इसे नॉर्मल वाटर से फेस वॉश करना है, या कोई भी तरह का फेस वॉश यूज नहीं करना है, पानी से ही करना है। और इसके बाद से हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्टेप है हमारा ओप्टन फेस स्क्रब, और ये आता है 10 ग्राम है इसके एक पैक पे। और इसको भी अच्छे से अपने पूरे चेहरे पे और नेक एरिया पे 2 से 3 मिनट तक स्क्रब करना है, और बहुत ही लाइटली करें, बहुत हल्के से, और पूरे चेहरे पे करने पूरे नेक एरिया पे है, और जहाँ पर भी आपको लगे कि यहाँ पे आपका चेहरा ज़्यादा ड्राई है या फिर ज़्यादा प्रॉब्लम है, यहाँ ज़्यादा डार्क है, वहाँ पे आपको ज़्यादा करना है। और बाकी जो सॉफ्ट एरियाज हैं वहाँ पे थोड़ा आराम से करें। यहाँ वीडियो थोड़ी मैंने फास्ट की है, तो आपको लग सकता है कि ये तेज़ी से है, पर मैंने बहुत नॉर्मली किया है। और फेस स्क्रब ज़्यादा ज़ोर से नहीं करना चाहिए, और जितनी ज़रूरत है उतनी ही करें, कोई ज़रूरी नहीं है कि पूरा पैक आप यूज कर लें। और अगर आपका फेस क्लियर है पहले से तो उतना ज़रूरत नहीं लगता है। तो यहाँ पे मेरा फेस स्क्रब हो गया है 2 से 3 मिनट बाद। और इसके बाद से हमारा जो थर्ड स्टेप है वो है ओप्टन स्मूथिंग जेल, ये है 10 ml और एक पैक में आता है। तो ये बहुत ही प्यारा सा अच्छा सा जेल है, और इसका जो स्मेल है बहुत ही प्यारा था। और इस जेल को आपको लेना है, और 1 से 2 मिनट तक आपको पूरे चेहरे पे मसाज करना है, बहुत ही हल्के हाथ से करना है। और आपको इसको फेस वॉश नहीं करना है, धुलना नहीं है, इसको अपने चेहरे में ही ऑब्जर्व करने देना है। 1 से 2 मिनट जब भी आप मसाज करेंगे तो ये आपके स्किन में ऑब्जर्व हो जाएगा। और इसके बाद से आपको नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट करना है, वो है ओप्टन मसाज क्रीम, जो कि एक पैक में 10 ग्राम आता है, और इसको आपको मसाज करना है। तो पूरे फेस और पूरे नेक एरिया में आपको इसे मसाज करना है, बहुत ही जेंटली मसाज करना है, और बहुत ही हल्के हल्के हाथ में। और ट्राई करें कि आप सर्कुलर मोशन में अपने चेहरे पे मसाज करें, जिससे कि और अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और ये मसाज आपको 5 से 10 मिनट करना है, यहाँ तक कि आप 15 मिनट भी कर सकते हैं, जितना लंबा टाइम आप कर सकें, बहुत ज़्यादा नहीं, 15 मिनट मैक्सिमम है, इतना तो बहुत होता है मसाज के लिए। जितना भी अच्छे से आप मसाज करें अपने फोरहेड एरिया पे, नोज एरिया पे, आई एरिया पे, जहाँ भी आपको करना हो, नेक एरिया ना भूलें कभी भी, क्योंकि वो भी हमारे फेस के साथ में हमेशा दिखता है। और अगर हमारे फेस का कलर कुछ और है और नेक कुछ और है तो देखने में बुरा लगता है। तो जो भी आप प्रोडक्ट यूज करें, कभी भी स्किन केयर करें, तो आपको नेक एरिया पे और फेस पे उतना ही ध्यान देना है जितना आप फेस पे दे रहे हैं। तो इस तरह से करने के बाद से आपको गीले कपड़े से इस क्रीम को हटा लेना है, और वॉश नहीं करना है। और इसके बाद से जो हमारा फिफ्थ स्टेप है वो है ओप्टन फेस मास्क, ये भी एक पैक में 10 ग्राम आता है, और इसको आपको पूरे चेहरे पे और नेक एरिया पे, या फिर आप सब चेहरे पर भी इसको अच्छे से
फेस मास्क लगा सकते हैं और इसको आपको 15 मिनट तक रखना है और 15 मिनट के बाद से इसको वॉश ऑफ कर लेना है विद नॉर्मल वाटर और अच्छे से इसको लगा लें पूरे चेहरे पे। और लगाने के बाद से आपको वॉश करना है। और तो इस फेशियल किट में मेन जो इंग्रेडिएंट है वो है टर्मरिक और सैफ्रॉन। तो जो टर्मरिक होता है वो हमारी स्किन को नेचुरली ग्लो करने में हेल्प करता है, सैफ्रॉन हमारी स्किन को क्लियर करता है, दाग धब्बे हटाता है। तो इस तरह से ये जो फेस मास्क है बहुत ही पावरफुल और अच्छा है। और इसको 15 मिनट के बाद आपको वॉश कर लेना है। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने वॉश कर लिया है। और जो 6th स्टेप है वो है ओप्टन ग्लो क्रीम और ये भी 10 ग्राम आता है 1 स्टेप में। और इसको नॉर्मली आप सारे स्टेप करने के बाद से जिस तरह से आप एक मॉइस्चराइजर क्रीम लगाते हैं उसी तरह का ये 6th स्टेप है, इसमें एक ग्लो क्रीम है और अभी मैंने लगा लिया है। और इसको लगाने सारे स्टेप करने के बाद मुझे बहुत ही अच्छा सा रिलैक्स फील हो रहा। तो ये हो गया फेसियल किट का, पूरी तरह से मैंने यूज़ करके दिखा दिया है कैसे यूज़ करना है। और अभी बात करें कि ये कितना यूजफुल है, किस तरह हेल्पफुल है और आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो मैं कहूँगी 100% हर किसी को लेना चाहिए क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है और बहुत ही नेचुरल है और आराम से घर पे हो जाता है। इसमें 6 स्टेप्स हैं और आप काफ़ी अच्छे प्राइस में मिल जाता है। तो इस फेसियल किट के को लेकर के अगर आपके दिमाग में कोई भी सवाल है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।